कैसे हैं आप लोग। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जॉन मिल्टन के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एस के अरोरा की बुक में दे रखे हैं वो सारे ही हम यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है मेरी जॉन मिल्टन की, तो आपको ये वीडियो ये क्वेश्चन करने में बहुत मज़ा आने वाला है। और मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन कराऊंगा नहीं, अगर वहाँ पर कोई एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होगा तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कुछ लाइन्स दी गई हैं और पूछी गई हैं कि ये कहाँ से ली गई हो, किसने कहा इन्हें। तो पहले लाइंस को देखते हैं। दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, दाउ हैडस्ट अ वॉइस हुज साउंड वॉज लाइक द सी। तो ये किसने गाए? एक्चुअली रोमांटिक एज में एक पोएट थे विलियम वर्ड्सवर्थ, जिन्होंने मिल्टन पे एक सोनेट लिखी थी, तो उन्होंने वहीं से ये लाइंस जो हैं वो ली गई हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में भी कुछ लाइन दी गई है और ये भी मैं बता दूं आपको, उसी सोनेट से हैं। येट दाई हार्ट द लोयलियस्ट ड्यूटीज ऑन हर सेल्फ टिडले। तो ये भी वर्ड्सवर्थ ने सोनेट ऑन मिल्टन जो उन्होंने लिखी थी वहीं से ये लाइन्स ली गई हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको, आपको आई होप क्लियर दिख रहा होगा। थोड़ा साइड का जो फॉन्ट है वो छुप रहा होगा, बट मैं उसको रीड कर दूंगा। शेक्सपियर इज द पोएट ऑफ इम्पल्स ऑफ द लव हेट फियर्स जेलसीज एंड एम्बिशन डेट स्वेड द मैन ऑफ हिज एज। तो इन्होंने ये तो शेक्सपियर के बारे में कहा, जिसने भी कहा है। मिल्टन जो है इज द पोएट ऑफ स्टैड फास्ट बिल, अभी एक्सप्लेन करूंगा, एंड पर्पस हु मूव्स लाइक अ गॉड एमिड द फियर्स एंड होप्स एंड चेंजिंग इम्पल्सिस ऑफ द वर्ल्ड रिगार्डिंग दैम एज ट्रिवियल एंड मोमेंट वी थिंक्स डेट कैन नेवर सर्व अ ग्रेट सोल। आगे देखते हैं, फ्रॉम इट्स कोर्स। तो ये जो कमेंट है ये किसका है पहले तो ये पूछा है। तो ये कमेंट है क्या, इसमें दोनों पोएट को डिस्टिंग्विश किया गया है, शेक्सपियर को और मिल्टन को। कहा गया है शेक्सपियर ने अपनी एज के जो मैन और उनके मैनर थे उनको एज इट इज पोर्ट्रे किया है, मतलब जैसे वो थे बिल्कुल वैसा ही दिखा दिया है अपने वर्क्स में। जबकि मिल्टन ठीक इसके उलट, जो भी उनकी एज में क्योस चल रहा था, पहले तो वो उसके सारी चीज़ों के अगेंस्ट थे, वो एक प्यूरिटन थे, उनके उन्होंने सिविल वॉर भी देखा अपनी एज में, लेकिन इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी उनकी पोइट्री उनके वर्क्स में जो एक डिवाइन टच था तो वो उनको डिस्टिंग्विश करता है किससे, शेक्सपियर से। मतलब जो भी उनकी एज में जो भी क्योस चल रहा था उसको उन्होंने अपने वर्क्स में नहीं आने दिया। तो ये जो कॉमेंट है ये रिमार्क है ये किसने बोला है, डब्ल्यू जे लॉन्ग ने। ओके, आगे देखते हैं। फोर्थ वन, ही इज अ पोएट ऑट टू हिमसेल्फ टू बी अ ट्रू पोएम डेट इज कंपोजिशन एंड पैटर्न ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट ऑनरेबल थिंग। वो बोलते हैं कि पोएम कैसी होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, कंपोजिशन होनी चाहिए या पैटर्न होना चाहिए बेस्ट एंड मोस्ट ऑनरेबल थिंग्स का। ये किसने कहा है, मिल्टन ने कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। बिफोर वन कैन राइट लिटरेचर विच इज द एक्सप्रेशन ऑफ द आइडियल ही मस्ट फर्स्ट डेवलप इन हिमसेल्फ द आइडियल मैन। वो कहते हैं आइडियल लिटरेचर लिखने से पहले इंसान को खुद आइडियल होना चाहिए। ठीक है, द लोफ्टी आइडियल ऑफ अ फ्रे एंजेलिको। तो ये भी किसने कहा, मिल्टन ने ही कहा ये। ओके, मैं मार्क कर देता हूँ ये। इसके बाद सिक्स है, बिकॉज मिल्टन्स ह्यूमन्स ही मस्ट नो द बेस्ट इन ह्यूमैनिटी। ये किसका रिमार्क है, ये डब्ल्यू जे लॉन्ग का रिमार्क है। सेवेंथ है, द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी। वो कहते हैं लॉर्ड की स्पिरिट मेरे अंदर है, ये मिल्टन कहते हैं। ठीक है, हुज लाइन इज दिस, ये मिल्टन की लाइन है। एट है, हिज स्टाइल वॉज, अभी स्टार्टिंग में बहुत सारी लाइन्स हैं, उसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे, अभी आप लाइन्स को कर लो। ठीक है, हिज स्टाइल वॉज अनकॉन्सियसली सबलाइम बिकॉज ही लिव्ड एंड थॉट कॉन्सियसली इन अ सबलाइम एटमोसफियर। तो उसका जो स्टाइल था वो अनकॉन्सियसली सबलाइम था। ठीक है, ये रिमार्क जो है वो किसने किया है, ये रिमार्क किया है लॉन्ग ने, डब्ल्यू जे लॉन्ग। अच्छा, डब्ल्यू जे लॉन्ग की एक बुक भी आती है, आपको भी पढ़ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है ये। डब्ल्यू जे लॉन्ग की हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पे बुक आती है, अगर आप यूजीसी नेट या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बहुत ही वास्ट लिटरेचर पूछा जाता है, जैसे टीजीटी पीजीटी में तो बहुत गिने चुने ऑथर आते हैं, तो वहाँ पे अगर आपको तैयारी करनी है तो आप डब्ल्यू जे लॉन्ग को उठा के पढ़ना, आपको मजा आ जाएगा ये किताब पढ़ के। ओके, नाइन्थ है, द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वॉज बिगिन ऑन। तो ये 1529 में क्रिसमस डे पे, क्रिसमस डे की एक्चुअली मॉर्निंग में इन्होंने ये जो ओड है ये कंपोज किया था। इसके बाद बात करते हैं मिल्टन का मास्टर कौन था। तो मिल्टन जो थे वो स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर को अपना मास्टर जो थे वो मानते थे। नेक्स्ट है, इलेवेंथ है, मिल्टन वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई फ्लेचर। मिल्टन जो थे वो फ्लेचर के किस वर्क से इन्फ्लुएंस्ड थे, तो ये है क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रायंफ। मैं फ्लेचर के बारे में थोड़ा सा बता दूं, फ्लेचर जो थे वो जॉन फ्लेचर, वो एलिजाबेथन एज के एक ड्रामेटिस्ट थे और उन्होंने शेक्सपियर के साथ कोलोबरेशन में कई सारे वर्क भी लिखे हैं। ओके, आगे देखते हैं। ट्वेल्थ है,
एज एवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर साई दिस लाइन इज ऑफ मिल्टन हु कंपोज्ड ऑन हिज बीइंग अराइव्ड टू द एज ऑफ 23। जब उन्होंने ये कंपोजिशन लिखी थी ऑन हिज बीइंग अराइव्ड टू द एज ऑफ 23, तो उसमें से ये लाइन उठाई गई है। 13 है, इन हिज डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स एंड टेट्राकॉर्डन मिल्टन वेपुडाइट्स। तो ये जो भी वर्क लिखे हैं टेट्राकॉर्डन है, ये डॉक्ट्राइन है, तो ये इन्होंने डाइवोर्स के संबंध में लिखे हैं। तो इसमें इन्होंने मैरिज को वेपुडाइट किया था। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था इनकी जो फर्स्ट वाइफ थी जो मैरी पॉवेल थी वो इनसे सेपरेट हो गई थी। तो इन्होंने चार एक्चुअली अ सीरीज ऑफ फोर वर्क इन्होंने लिखे थे, तो उनमें से ये दो के नाम यहाँ पे दिए गए हैं जो कि चारों के चारों ट्रैक जो थे वो डाइवोर्स पे बेस्ड थे। ओके, तो इसमें इन्होंने मैरिज को वेपुडाइट किया है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं 14 है, फॉर आई थॉट इट बेस्ट टू बी ट्रैवलिंग एट माई एज फॉर इंटेलेक्चुअल कल्चर वाइल माई फेलो कंट्रीमैन एट होम वर फाइटिंग फॉर लिबर्टी। तो ये मिल्टन ने कहा है, ठीक है, वो कहते हैं कि मतलब आसानी से इंटेलेक्चुअल कल्चर के लिए ढूंढना कहीं ट्रैवल करना ये एकदम बेस है, जब कि मेरे जो फेलो कंट्री मैन है वो घर पे लिबर्टी मतलब आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। तो ये किसने कहा था? मिल्टन ने कहा था। ओके, इसके बाद हम 15 क्वेश्चंस पे आते हैं। इन द सोनेट मी थॉट आई सॉ माई लेट एस, देखो ये सोनेट का नाम है इतना लंबा, मी थॉट आई सॉ माई लेट एस्पाउस्ड वाइफ। तो ये इनकी, ये इन्होंने लिखा है, इनको ऐसा लगा कि मैंने अपनी लेट वाइफ को देखा है। तो ये उनकी सेकंड वाइफ थी कैथरीन, तो उनके लिए इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो वो किसको यहाँ पे रेफर कर रहे हैं? अपनी सेकंड वाइफ को। सेकंड वाइफ एक्चुअली इनकी एक चाइल्ड बर्थ में मर गई थी, तो उनको याद करते हुए इन्होंने ये सोनेट जो है वो लिखी है। अब देखते हैं 15 क्वेश्चन में क्या है। हु कमेंटेड ऑन मिल्टन सेइंग दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट टू, ये ड्राइडन ने कहा था। जॉन ड्राइडन जो है वो रेस्टोरेशन एज के एक मेजर फिगर है। आगे देखते हैं द मीनिंग ऑफ एल एलेग्रो। एल एलेग्रो जो है वो पोएम का स्पीकर है। दो पोएम थी, एक थी एल पेंसरेसो और एल एलेग्रो, ये ट्विन पोएम्स थी। तो एल एलेग्रो का मतलब होता है द जॉयस और हैप्पी मैन, ठीक है। 18 है, विच पोएम ऑफ मिल्टन आर जॉयस ऑलमोस्ट एलिजाबेथन इन करेक्टर। उनकी कौन सी पोएम जो है वो जॉयस है और ऑलमोस्ट एलिजाबेथन इन करेक्टर है। तो उनकी जितनी भी हॉर्टन पोएम्स थी, जब उन्होंने हॉर्टन में रहते हुए जो पोएम्स लिखी थी वो एलिजाबेथन इन करेक्टर थी, मतलब उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स थी वो एलिजाबेथन थी, राइट। तो आगे देखते हैं 19th है, फ्रॉम वेयर डिड इंग्लैंड बोरो द आइडिया ऑफ मास्क। तो इटली से बोरो किया था, ये ध्यान रखना। मास्क का आइडिया इंग्लैंड ने कहाँ से बोरो किया था? इटली से। अच्छा, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं, मेरा पेड बैच भी चल रहा है टीजीटी पीजीटी पे। जैसे यहाँ पे तो मैं बस एसके अरोरा कवर करा रहा हूँ, लेकिन मेरे पेड बैच में आपको कई सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेंगे, तो आप वो ले सकते हैं। और मुझे आप पर्सनली व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और उसका जो मोबाइल नंबर है वो कॉमेंट बॉक्स में भी पड़ा हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पड़ा हुआ है। तो अगर आप चाहें मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो पेड बैच अभी चल रहा है करंटली, और मेरी कोशिश ये है कि मैं जल्दी से उसका सिलेबस जल्द से जल्द ख़त्म करूँ, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, बहुत ही अनसर्टेनिटी एग्ज़ाम होने में। तो अब 21st क्वेश्चन देखते हैं। पैराडाइज लॉस्ट इज इन, पैराडाइज लॉस्ट जो वो लिखा गया है वो ब्लैंक पर्स में लिखा गया है। अच्छा, कोई क्वेश्चन छूट गया क्या? हो गया, हाँ ये 20th क्वेश्चन छूट गया। तो एरियो पेजेट का एक पैम्पलेट था, ये 1644 में आया था। तो ये किस बारे में लिखा गया है? ये फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में लिखा गया है। यहाँ पे शायद ये आखिरी ऑप्शन होगा, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है। ये एरियो पेजेट का एक पैम्पलेट आया था, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में लिखा गया था। आगे देखते हैं 22, हु हैज डिस्क्राइब पैराडाइज लॉस्ट एज द ड्रीम ऑफ अ प्यूरिटन। ये यहाँ से है ये लाइन, ड्रीम ऑफ अ प्यूरिटन फॉलन एस्लीप ओवर हिज बाइबल। ये किसने कहा? ये लैमर्टाइन ने कहा था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं पैराडाइज लॉस्ट को उन्होंने ड्रीम कहा था, किसका? एक प्यूरिटन का जो कि अपनी बाइबल के ऊपर सो गया है। 23, इन मिल्टन्स लाइफ द पीरियड फ्रॉम 1632 टू 1637 इज पॉपुलरली नोन एज हॉर्टन पीरियड, ठीक है। आगे देखते हैं 24 है, मिल्टन हैज गिवन हिज व्यूज ऑन पोइट्री इन हिज पोयम। तो मिल्टन ने किस पोयम में पोइट्री पे अपने व्यूज दिए हैं? तो किसमें दिए? लाइसीडास में। जिनको नहीं पता है, लाइसीडास एक इंग्लिश की वन ऑफ द मोस्ट फेमस एलिजीज में से एक है, और ये जो है लाइसीडास
वो लिखी गई थी एडवर्ड किंग, जो इनके एक फ्रेंड थे क्राइस्ट कॉलेज जब ये पढ़ते थे, तो उनकी डेथ को मौन करने के लिए ये पोयम लिखी गई थी, वो आयरिस सी में डूब गए थे। 25th है, द एबिलिटीज ऑफ द पोएट आर इंस्पायर्ड गिफ्ट ऑफ गॉड वेयरली बेस्टोड। वो कहते हैं पोएट की एबिलिटीज जो हैं वो मतलब इंस्पायर्ड गिफ्ट है किसका, गॉड का, जो कि कभी कभी गॉड को किसी किसी इंसान को ही दी जाती हैं। तो ये कौन कहता है, ये मिल्टन कहते हैं। 26 है, हाउ स्वीट इज डिवाइन फिलोसफी, नॉट हार्स एंड क्वैब्ड एज डल फूल्स सपोज, बट स्वीट एज इज अपोलोज ल्यूट। ये कौन कहता है, ये मिल्टन कहते हैं। मिल्टन शायद इसको कॉमर्स में कहते हैं, नहीं एक मिनट, हाँ कॉमर्स में कहते हैं, राइट। मिल्टन इसको किस में कहते हैं, कॉमर्स में कहते हैं। आगे देखते हैं, व्हेन मिल्टन वोट ऑन मॉर्निंग ऑफ द क्राइस्ट नेटिविटी हिज एज वॉज ओनली 21। उनकी एज कितनी थी, 21 थी। एल एलिग्रो इल पेंसवेसो आर्केड्स कॉमस लाइसिडास, ये किस पीरियड को बिलोंग करते हैं, ये हॉर्टन पीरियड को बिलोंग करते हैं। ओके, ये हॉर्टन पीरियड कब से कब तक रहा था, 1632 से 1637 तक, जब मिल्टन अपनी यंग एज में थे। आगे देखते हैं, रेस्टोरेशन एज कब आई थी, 1660 में, जब चार्ल्स सेकंड जो है वो दोबारा गद्दी पे आ गए थे, और तभी से रेस्टोरेशन एज की शुरुआत मानी जाती है। अच्छा, ग्रेट प्लेग कब आया था, 1665 में आया था, और इसके बाद 1666 में भी एक बहुत ही मेजर इवेंट हुआ था, वो थी ग्रेट फायर ऑफ लंडन। तो ये दोनों ही याद रखना है, प्लेग कब आया था 1665 में, और ग्रेट फायर ऑफ लंडन 1666 में। ऐसा माना जाता है इस प्लेग में लंडन की आधी आबादी कम हो गई थी, इतने लोग मर गए थे। आगे देखते हैं, विच पोयम डील्स विद द सैटन्स टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट इन वाइल्डनेस। तो ये ऑप्शन नहीं दिए गए, ये पैराडाइज रीगेंड है, इसमें देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, इधर ऑप्शन दिए गए, तो ये कौन सी पोयम है, पैराडाइज रीगेंड, राइट। इसके बाद देखते हैं 32, हु डिस्क्राइब्ड मिल्टन एज द माइटी माउथेड इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज एंड गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। ये लाइन बहुत पूछी गई एग्जाम में, ये टेनिसन ने कहा था, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ठीक है, ये विक्टोरियन एज के एक पोएट थे। इसके बाद वन हिल फील्ड इज एसोसिएटेड विद, ये किससे एसोसिएटेड है, मिल्टन से एसोसिएटेड है। मिल्टन इज सेड टू बी, मिल्टन जो है क्या उन्हें माना जाता है, उन्हें तो रिलेटेड एलिजाबेथन भी कहा जाता है, क्योंकि एलिजाबेथन एज की कई सारी करेक्टरिस्टिक जो है वो इनके वर्क्स में दिखती हैं। हालांकि एलिजाबेथन एज तो खत्म हो गई थी, लेकिन कुछ ना कुछ विशेषताएं इनके वर्क्स में दिखती हैं उस एज की। इसके बाद अच्छा, मिल्टन जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ, प्योरिटन एज से बिलोंग करते हैं। अच्छा, 35 क्वेश्चन है, From 12 years of age, I hardly ever left my studies or went to bed before midnight. ये किसने कहा है? ये मिल्टन ने कहा है कि 12 साल की एज से मैंने शायद कभी अपनी स्टडी छोड़ी हो या मिडनाइट से पहले मैं बेड पर गया हूँ। अच्छा, इसके बाद 1632 से 1638 मिल्टन ने अपनी स्टडी कहाँ कंटिन्यू की थी, हॉर्टन में, इसीलिए इस पीरियड को हॉर्टन पीरियड भी बोलते हैं, समझ में आया। 37 है, बिस्ट टू पोएम्स ऑफ मिल्टन आर कंपेनियन पीसेस, जो ट्विन पोएम्स हैं, कंपेनियन पीसेस हैं, एक दूसरे की साथ ही हैं, एल एलिग्रो एल पेंसरेसो। ओके, इसके बाद देखते हैं, एल एलिग्रो और एल पेंसरेसो जो हैं वो इनको क्या कहा जाता है, इनको म्यूजिकोलॉजी भी, म्यूजिकोलॉजी से हैं ये, द टाइटल ऑफ एल एलिग्रो एंड इल पेंसरेसो आर फ्रॉम म्यूजिकोलॉजी। अब मीनिंग क्या है इल पेंसरेसो का, इसका मतलब होता है द थॉटफुल मैन और मेलनकॉली मैन। ओके, इसके बाद 40 है, एल एलिग्रो आफ्टर वैनिशिंग द स्पिरिट ऑफ लोडेड मेलनकॉली वेलकम्स द गॉडेस ऑफ मर्थ। तो इस गॉडेस ऑफ मर्थ का नाम क्या था, तो इसका नाम था यूफ्रोसाइन, ठीक है, ये इसका नाम था गॉडेस ऑफ मर्थ का। इल पेंसरेसो जो है आफ्टर वैनिशिंग डिलूडिंग बेन डिलूडिंग जो है बोलती है वेलकम्स द गॉडेस ऑफ मेलनकॉली, कौन, इल पेंसरेसो। ओके, इसके बाद देखते हैं, तो ये ध्यान रखना, इल पेंसरेसो पूरी मेलनकॉली के बारे में, इल पेंसरेसो पूरा मेलनकॉली के बारे में, और जो एल एलिग्रो है वो किसके बारे में है, मर्थ के बारे में है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 42, इन पैराडाइज लॉस्ट सैटर्न इज कंपेयर्ड टू, सैटर्न को लेवाइथन से कंपेयर किया जाता है, ऑप्शन दिया होगा इसमें, देखते हैं, अच्छा ऊपर है, हाँ सैटर्न को किससे कंपेयर किया जाता है, लेवाइथन से। 43 है, सैटर्न कैन सेड्यूस मैन बट ऑन हिमसेल्फ ही विल हैव क्या होगा, कंफ्यूजन वैथ एंड वेंजेंस। मतलब वो मैन को तो सेड्यूस कर सकता है, लेकिन वो खुद इन सारी चीजों से पीड़ित है, कंफ्यूजन वैथ एंड वेंजेंस। हु वॉज नेक्स्ट टू सैटर्न,
जो हेल था या फिर सैटर्न का जो नेक्स्ट मतलब जो उसका राइट हैंड था वो कौन सा कंपेनियन था, वेलजेबब, ठीक है, इसका नाम ध्यान रखना, वेलजेबब। इसके बाद आते हैं मॉलिच। मॉलिच इज हॉरिड किंग, ठीक है, बेस्मियाव्ड विद ब्लड। तो वो ये जो ये डेविल है तो ये किसके सेक्रीफाइस से, ह्यूमन सेक्रीफाइस, ठीक है, ब्लड ऑफ, ब्लड किसका था, ह्यूमन सेक्रीफाइस का। इसके बाद देखते हैं, इसको ध्यान रखना, पूछा गया ये एग्जाम में, हुज बाउंड एल्यूर द सीरियन डैमसेल टू लैमेंट हिज फेट, तो ये कौन था, थामुज। इसके बाद देखते हैं, हु कम लास्ट इन द लाइन ऑफ फॉलन एंजल, ये विलायल था, ही इज अ डेविल एसोसिएटेड विद लस्ट, ओके। इसके बाद देखते हैं 48, अच्छा इसमें लिखा भी आ गया, अगला क्वेश्चन ये है, ही इज एसोसिएटेड विद लस्ट एंड वॉयलेंस, कौन सा है, विलायल। आगे देखते हैं 49 है, व्हेन नाइट डार्केंस द स्ट्रीट देन वांडर्स फॉर द सन्स ऑफ विलायल फ्लोन विद इंसोलेंस एंड वाइन, तो ये कहाँ से ली गई, पैराडाइज लॉस्ट से, यहाँ पे ये डेविल का नाम आ गया, समझ लो पैराडाइज लॉस्ट से है ये। इसके बाद देखते हैं 50, व्हाई डू द हॉस्पिटेबल डोर इन गिवेया एक्सपोज अ मैटवॉन, तो टू अवॉइड वर्स रेप। आगे देखते हैं, फॉर दिस इन्फर्नल पिट सेल नेवर होल्ड सेलेसियल स्पिरिट्स इन बॉन्डेज, तो ये जो लाइन है वो कहाँ पे अपियर होती है, पैराडाइज लॉस्ट में। आगे देखते हैं, लेट नन एडमायर डेट विच इज ग्रो इन हेल डेट सॉइल में बेस्ट जब द प्रेसियस पेन, ये लाइन भी पैराडाइज लॉस्ट में ही आती है। आगे और ऑप्शन भी दिए होंगे, कॉमर्स या लाइसीडाइज से है, लेकिन पैराडाइज लॉस्ट जो है वो सही है। होता क्या है, पैराडाइज लॉस्ट में जब ये डेवल हैं वो सारे, पहले तो जब शुरू होती है पोएम तो ये सारे एक लेक होती है, जो लेक ऑफ फायर होती है उसमें आग लगी होती है, पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ होता है, वहाँ पे ये सारे पड़े होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं, फिर अचानक से ये अपनी चेन से आज़ाद हो जाते हैं, या तो गॉड उन्हें, ऐसा कहा नहीं गया है पोएम में, लेकिन ऐसा माना जाता है कि गॉड ने उनको आज़ाद होने दिया, तो वो उड़ के जाते हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे फायर नहीं होती है, और वहाँ पे वो क्या करते हैं, वहाँ पे एक डेवल होता है, वो आर्किटेक्ट भी होता है, तो वो क्या बनाता है, वो पैंडेमोनियम बनाता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे ये सारे डेवल इकट्ठा होकर काउंसिल कर सकें। तो ऐसा कहा जाता है कि उस जमीन से बहुत सारे मिनरल्स, गोल्ड, ये सारी चीज़ें निकलती हैं जिससे वो पैंडेमोनियम बनाते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है हेल में किसी चीज़ की कमी है, वहाँ पे भी सारी चीज़ें हैं, बस उनका यूज करने की ज़रूरत है। तो 53 है, वोज लाइक एन एक्सलेशन विद द साउंड ऑफ टल्सेट सिम्फनीज एंड वॉइस स्वीट, वॉट वोज लाइक एन एक्सलेशन, इसको क्या बोला गया, पैंडेमोनियम। वी वेट पैराडाइज लॉस्ट एज अ टास्क नो बडी एवर विश्ड इट लॉन्गर, ये डॉक्टर जॉनसन ने क्रिटिसाइज करते हुए कहा है पैराडाइज लॉस्ट को कि बहुत लंबा हो गया ये। जॉर्ज हर्बर्ट, थॉमस कैरू एंड रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड क्रैसा, रिचर्ड लवलेस, हेनरी वॉन एंड एंड्रयू मार्वेल आर मिल्टन्स, ये क्या है, कंटेम्प्रेरीज हैं, ये सारे के सारे इनके क्या हैं, कंटेम्प्रेरीज हैं। इन सबको कैबलायर पोएट भी कहा जाता है, जो चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्टर्स थे, राइट। आगे देखते हैं, और इनमें से कुछ मेटाफिजिकल पोएट भी हैं, तो ये मेटाफिजिकल और कैबलायर पोएट्स का क्या है, कॉम्बिनेशन है। अच्छा मेटाफिजिकल पोएट क्या होता है भाई, तो मेटाफिजिकल पोएट जो होता है जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो अपने विजडम या अपनी बुद्धि को प्रूव करने की कोशिश की थी अपने वर्क्स में, उल्टे सीधे कंपैरिजन यूज किए थे, मेटाफोर यूज किए थे, जैसे जॉन डॉन की अगर एक पोएम की बात करें तो उन्होंने दो लवर्स को कंपास और उसकी जो सुई थी उससे कंपेयर कर दिया था कि तुम सेंटर हो मैं, मतलब बहुत अजीब अजीब से कंसीट्स जो थे उन्होंने अपनी पोएम में यूज किए थे, कई बार वो समझना मुश्किल थे, तो इनको जॉन ड्राइडन और सैमुअल जॉनसन जो थे उन्होंने इनको नाम दिया था मेटाफिजिकल पोएट, और ये इन्होंने इनकी बुद्धिमानी के लिए नहीं, इनको मॉक करते हुए, इनका मजाक उड़ाते हुए ये नाम दिया था, तब से इंग्लिश लिटरेचर में इनको मेटाफिजिकल पोएट के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, ये मैंने एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दी। अच्छा 56 है, मिल्टन वोट अ लैटिन पेस्टोरल टू एक्सप्रेस ए सोरो ऑन डेथ ऑफ हिज फ्रेंड चार्ल्स डायोडाटी, ये इनके फ्रेंड थे, इसका नाम ध्यान रखना। ठीक है, इट हैज सम सिमिलिट्यूड टू लाइसिडास आइडेंटिफाइड, तो ये एक वर्क था इनका एपिटाफियम डेमोनिस, तो इसमें क्या था, इन्होंने चार्ल्स डायोडाटी को थोड़ा सा ट्रिब्यूट जो है वो पे किया है। 57 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अटैक ऑन द पॉलिटिकल करप्शन ऑफ क्लेर्जी इन इंग्लिश चर्च एंड अ प्ले ऑफ डेमोक्रेसी इन द स्ट्रक्चर ऑफ द चर्च, तो थोड़ा सा चर्च में रिफॉर्म लाने के लिए ये पोएम, ये वर्क था, पोएम नहीं थी एक्चुअली, ऑफ रिफॉर्मेशन,
ये लिखा था इन्होंने, पैम्पलेट था शायद, विच लिटररी पीस शोज द सुपीरियरिटी ऑफ द प्रेस वाइटेरियन सिस्टम ऑफ चर्च गवर्नमेंट। तो ये प्रेस वाइटेरियन सिस्टम एक्चुअली ये स्कॉटलैंड में था, तो इन्होंने अपने जो वर्क में लिखा है वो कौन सा वर्क है, ऑफ प्रीलेटिकल एपिस्कोपेसी। मैंने इसका मीनिंग भी बताया था, एपिस्कोपेसी क्या था। एपिस्कोपेसी जनरली एक ऐसा सिस्टम ऑफ चर्च था प्रिमिटिव टाइम में पहले, जिसमें जो चर्च था वो गवर्न किया जाता था किसके द्वारा, बिशप्स के द्वारा, ठीक है। ये मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। इसके आगे देखते हैं 59 एनिमेड वर्जन्स एंड एंटी प्रीलेटिकल ट्रैक्टिजन अटैक ऑन अ करेक्टर राइटर। तो ये किस पे है, बिशप जोसेफ हॉल पे, ये एक अटैक है, ठीक है। इनके अपोनेंट थे जोसेफ हॉल, बिशप थे, उस पे एक अटैक है, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन है, विच ट्रैक्ट रिकमेंड्स फॉर द सेपरेशन ऑफ द चर्च एंड स्टेट। ऐसा कौन सा जो इनका ट्रैक्ट है जो रिकमेंड करता है, अच्छा इसमें आगे भी कुछ लिखा है इधर, इट इज अ लॉन्ग एक्लेसियास्टिकल ट्रैक्ट। तो ये जो है ये पहला वाला ऑप्शन सही है, द विजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट। इसमें इन्होंने क्या मेंशन किया था कि रिकमेंड किया था किसका, चर्च ऑफ स्टेट का सेपरेशन, जो काफी हद तक सही भी था। ये दोनों चीजें कहीं पे भी मिलके काम करेंगी तो वहां पे केओस ही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं 61 द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ, देखो जो मैं फोर वर्क्स की बात कर रहा था जो लिखे गए थे एक साथ, इसमें पहला है द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, द जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर, टेट्राकॉर्डन, और एक और है इसको ऊपर करते हैं कोलेस्टेरियन, ठीक है। ये फोर ट्रैक्ट्स थे ऑन डाइवोर्स, ध्यान रखना, ठीक है। ये किसने लिखे थे, मिल्टन ने लिखे थे। आगे देखते हैं, मिल्टन टॉक्स ऑफ सप्लीमेंटिंग ऑफ बुक्स विद पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वेयर डज ही टॉक, किसमें, ऑफ एजुकेशन में इन सारी चीजों की बात करता है वो। 53 है, द टाइटल ऑफ एरियोपैजिटिका इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ स्पीच विच वॉज एडवर्स टू द एथेनियन कोर्ट ऑफ एरियोपैगस, द स्पीच वॉज एडवर्स बाई, ये स्पीच जो है वो किसके द्वारा एडवर्स की गई थी, आइसोक्रेट्स। अभी यहाँ पे एरियोपैगस लगा के मत चले आना, ये एक माउंटेन का नाम था, ठीक है। और स्पीच किसने एडवर्स की थी, आइसोक्रेट्स। चार्ल्स फर्स्ट जो था उसे कब बिहेड किया गया था, चार्ल्स फर्स्ट को कब बिहेड किया गया था, 1649 में। इसके बाद मिल्टन जो है वोट दिस वर्क ओनली टू काम डाउन द पब्लिक रिएक्शन ऑफ फियर टू द बिहेडिंग ऑफ चार्ल्स, विच वर्क इज दिस, तो इसमें ऑफ टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स। ये एक्चुअली इन्होंने वर्क लिखा था चार्ल्स फर्स्ट के एग्जीक्यूशन के सपोर्ट में, जब उन्हें बिहेड किया जा रहा था तो उसके सपोर्ट में ये वर्क लिखा था किसने, जॉन मिल्टन ने। और इसके साथ ही जो पब्लिक रिएक्शन था, जो वो डरे हुए थे, उसको काम डाउन करने के लिए भी एक एफर्ट था ये। 56 है, हु स्टूड फॉर एन ऑस्टीर हाई प्रिंसिपल गॉड फियरिंग एंड ब्लेमलेस काइंड ऑफ लाइफ, तो प्यूरिटन्स। आगे देखते हैं, ड्यूरिंग द एज ऑफ एलिजाबेथ द प्यूरिटन्स वर इन माइनॉरिटी, एलिजाबेथन एज में ये माइनॉरिटी में थे, लेकिन एलिजाबेथन एज एक्चुअली वो कहते हैं ना बींग सेकुलर, तो एक तरह से सेकुलर थे वहाँ पे सब, वो एलिजाबेथन एज ने सबको जो है वो सवर दी, सबको बढ़ाया, प्रोत्साहन दिया, कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया किसी भी तरह किसी के साथ, तो बहुत ही प्रॉस्पेरस एज मानी जाती है वो इंग्लैंड में। ऐसा नहीं सिर्फ लिटरेचर में ही, हर फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस एज जो है वो मानी जाती है। आगे देखते हैं 68 जो है, लव वर्च्यू सी अलोन इज फ्री सी कैन टीच यू हाउ टू क्लाइम हायर देन द स्पैरी चाइन और इफ वर्च्यू फीवल वर हैवन इट सेल्फ वुड स्टूप टू हर। तो ये जो लाइन है वो लिखी गई है, ली गई है कॉमर्स से। अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ, छोटी सी चीज है ये, जहां पे भी ये वर्च्यू दिखा मिल जाए वहां समझ लो मोस्टली जो है वो लाइन जो है वो कॉमर्स से ही होगी, ठीक है, इतना ध्यान रखना, मास्क ऑफ कॉमर्स से। आगे देखते हैं, लेट अस वेन इन हेल सिंस देयर इज मोर कंटेंट टू लिव इन लिबर्टी दो ऑल कंडेम्ड देन दिस देन एज हिज बेसल ब्लेस्ड हु स्पीक दिस लाइन्स। ये कौन बोलता है, लूसीफर बोलता है पैराडाइज लॉस्ट की बुक फोर्थ में, वो कहता है कि हमें हेल में ही वेन करने दो, हमें हेल में ही रूल करने दो, हेवन में सर्व करने से अच्छा क्या है कि हम हेल में रूल करें। कौन बोलता है, लूसीफर कौन होता है, सैटन होता है, डेविल होता है, ठीक है। 70 क्वेश्चन है, इन एन इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ पोएट्स मिल्टन एंड शेक्सपियर वुड रिप्रेजेंट द इंग्लिश नेशन, ये किसने कहा था, ये कहा था मार्क पैटिसन ने, ठीक है, कि उसने कहा था कि अगर कोई सम्मेलन होता है इंटरनेशनल लेवल पे तो मिल्टन और शेक्सपियर जो है वो इंग्लिश नेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। मिल्टन वॉज अ पैशनेट मैन हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम्स, ये कहा था जॉन बेली ने। इसके बाद देखते हैं, नॉ सेकेंड ही डेट वोट सबलाइम अपॉन द सेराफ विंग्स ऑफ एक्सटेसी,
He saw but blasted with excess of light, closed his eyes in the endless night. तो ये किसने कहा था? ये कहा था ग्रे ने. आगे बढ़ते हैं. मिल्टन इज वाइटली एंड जुडिशियसली क्लासिफाइड विद द टू ग्रेट एपिक पोएट्स ऑफ द वर्ल्ड, होमर एंड बर्जिल. तो होमर एंड बर्जिल के साथ वखाए किसने? प्रोफेसर डॉबसन ने. ठीक है, इसके बाद देखते हैं. हु अपॉइंटेड मिल्टन टू द पोस्ट ऑफ लैटिन सेक्रेटरी, किसने अपॉइंट किया था? क्रॉमवेल ने. तो ये ऑब्वियस है क्योंकि चार्ल्स फर्स्ट थे नहीं, जेम्स बहुत पहले खत्म हो गए थे, तो क्रॉमवेल ही थे उस टाइम, तो उन्होंने ही अपॉइंट किया होगा. इफ मिल्टन वॉज अ प्यूरिटन, ही वॉज ऑल्सो मोर देन अ प्यूरिटन. उसे प्यूरिटन नहीं थे, प्यूरिटन से कहीं ज्यादा थे. ये किसने कहा? हचिनसन ने कहा. ठीक है, अब इसके साथ ही बहुत सारी लाइनें, ये लाइन आप पढ़ना. सर्वेंट ऑफ गॉड वेल डन, वेल हास्ट थाउ फॉट द बेटर फाइट. तो ये जो लाइन है वो पैराडाइज लॉस्ट की बुक 6 से ली गई है. इतना हालांकि मुझे लगता नहीं है डीप में पूछेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए. इसके बाद जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखना, पूछी गई है बहुत बार. मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस ओवर, इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ थी. ये भी वर्ड्सवर्थ ने उसी सोनेट में लिखी थी जहाँ से पहले वो दूसरे क्वेश्चन थे, जो मिल्टन पे जो सोनेट लिखी थी. आगे देखते हैं. ओ माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हारमनी, ये टेनिसन ने बोला था, ये अभी पहले भी आ चुका है, ठीक है, आपको ध्यान रखना चाहिए था. कहाँ पे है ये? गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड. तो ये किसने बोला है? टेनिसन ने बोला है. ठीक है, आगे देखते हैं. अब ये लाइन आप अपने आप पढ़ना पॉज करके, मैं थोड़ा सा इसको, अभी बहुत सारी लाइनें, लाइंस में आपको बस करना कुछ नहीं है, याद ही करना है, इसलिए मैंने स्किप कर रहा हूँ. आप पॉज करके पढ़ते रहना. अच्छा, ये मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ. इस पोइट्री एक्ट्स लाइक एन इनकैंटेशन. इनकैंटेशन क्या होता है? एक मैजिक स्पेल होता है, ठीक है. तो उसकी पोइट्री एक मैजिक स्पेल की तरह थी. अगर हम उसमें कोई भी स्ट्रक्चर, मतलब सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज करेंगे या फिर सिनोनिम्स को एक दूसरे से बदलेंगे तो पूरा इफेक्ट ही चला जाएगा. स्पेल जो है वो मैजिक स्पेल है, वो अपनी पावर लूज कर देगा, ठीक है. तो ये जो बोला था ये मैकाले ने बोला था. अब आगे ये भी शायद ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं आपको समझा चुका हूँ. 83 है. इन सैमसन एगोनिस्टिस मिल्टन अपियर्स इन द फिगर ऑफ. सैमसन एगोनिस्टिस में मिल्टन जो है किसके फिगर में अपियर होते हैं? सैमसन के, क्योंकि सैमसन भी अंधा होता है, मिल्टन भी अंधे होते हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ी सी सिमिलैरिटीज हैं यहाँ पे. तो इसको आप पढ़ना अपने आप, इस लाइन को, ओके. ये जहाँ तक है, ये जो ओ डार्क डार्क एमिड द ब्लेज नून, ये शायद सैमसन एगोनिस्टिस से ली गई है. चलो देख ही लेते हैं अभी. 84 सैमसन एगोनिस्टिस से ली गई, ठीक है. 85 है. ऑल अदरवाइज टू मी माई थॉट पोर्टेंड, वेयर डज दिस लाइन अपीयर. तो ये सैमसन एगोनिस्टिस से ली गई है. तो ये बर्च्यू वाली लाइन आ गई, देखो ये कहाँ से, ये बर्च्यू वाली लाइन मैंने आपको बताया था, हमेशा कॉमर्स से ही मिलेगी. इसके बाद देखते हैं, ये भी देखो बर्च्यू वाली लाइन आ गई, ये भी देखो जहाँ तक है कॉमर्स से ही होगी, राइट. इसके बाद देखते हैं. वट इविल ऑन इट सेल्फ सेल बैक रिकॉइल, ठीक है, ये कहाँ से ली गई है? ये बहुत ही फेमस लाइन है, बहुत बार पूछी गई है. बट इविल ऑन इट सेल्फ सेल बैक रिकॉइल एंड मिक्स नो मोर विद गुडनेस, ये कॉमर्स से ली गई है, पूछी गई, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसे. इसके बाद देखते हैं. मिल्टन्स प्यूरिटनिज्म इज वेवल्ड इन द थंडरिंग कंडेमनेशन ऑफ सेंट पीटर अगेंस्ट द करप्ट क्लेर्जीमैन ऑफ हिज टाइम्स, दिस रेफरेंस इज इन. तो ये रेफरेंस किसमें मिलता है? ये मिलता है लाइसीडास में. ये आप पढ़ना, इसको पॉज करके पढ़ना, जो लाइन्स है अभी मैं जल्दी से स्किप कर रहा हूँ. इसके बाद देखते हैं. 92 हुज स्टाइल इज कॉल्ड ग्रैंड स्टाइल, किसका स्टाइल ग्रैंड स्टाइल कहा जाता है? मिल्टन का, ये ध्यान रखना, ये भी पूछा गया ये क्वेश्चन. आगे देखते हैं. हाँ, ये लाइन्स हैं, इनको आप पढ़ना, ठीक है, अभी जो ठीक क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि लाइन्स तो आपको खुद ही याद करनी है, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है. ये मैं पॉज करके आप पढ़ लेना, या आपके पास बुक हो तो बुक से पढ़ लेना. आगे मैं स्किप कर रहा हूँ इसे. ये देखते हैं. विच एपिक ऑफ मिल्टन इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिफॉर्मेशन एंड वेनिसा, कौन सा जो एपिक है मिल्टन का वो प्रोडक्ट है रिफॉर्मेशन और वेनिसा का? तो कौन सा है? पैराडाइज लॉस्ट. पहले आप वेनिसा से पहले आप गॉड के बारे में ज़्यादा कुछ लिख नहीं सकते थे भाई. अगर आप ऐसा कुछ करते भी थे, जिन लोगों ने अटैम्प्ट किया था बाइबल का ट्रांसलेशन करने का, इवन उन्होंने कुछ नहीं, बस बाइबल को ट्रांसलेट करने की कोशिश की, उनको तक किसी का गला घोट के मार दिया गया, किसी को जला दिया गया, किसी को फांसी दे दी गई. तो ऐसी ऐसी घटनाएं हुई थी उस टाइम. जॉन विक्लिफ जो मर गए थे, तो उनकी कब्र खुदवा के, उनकी हड्डियां निकाल के, उनकी जो बॉडी थी उसके रिमेन्स निकाल के एक रिवर में बहा दिए गए. तो मतलब आपको फ्रीडम नहीं थी आप रिलीजन के बारे में कुछ भी बोलें. तो वेनिसा के बाद ही ये सारी, वेनिसा और रिफॉर्मेशन के बाद ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकी,
तभी मिल्टन जो थे उन्हें इतनी फ्रीडम मिली कि उन्होंने इतना फ्रीली एक वर्क जो कि बाइबल की स्टोरी से इंस्पायर्ड थी उस बारे में उन्होंने इतना फ्रीली जो है वो लिखा। अब 100 क्वेश्चन देखते हैं। इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन सीम्स टू बी चैंपियनिंग द कॉज ऑफ इंडिविजुअलिज्म। 101 है ये आप पढ़ना, ब्यूटी स्टैंड से ये यहाँ पे पैराडाइज विगेंड से ये लाइन ली गई है, ठीक है, इसको भी मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। अब ये देखते हैं, सैमसन एगोनिस्टेज इज सेट टू बी क्लासिकल इन फॉर्म बट इन इट्स थीम आउटलुक एंड टेम्पर इट इज हैब्रेक। ये ध्यान रखना, वैसे तो ये ग्रीक ड्रामा से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है लेकिन अपने आउटलुक में ये कैसी है, हैब्रेक है। आगे फिर से बर्च्यू वाली लाइन आ गई, कहाँ से आएगी, कॉमर्स से। अगेन बर्च्यू वाली लाइन है तो ये कहाँ से, कॉमर्स से। बट एवल ऑन इट सेल्फ सेल बैक, ये भी कॉमर्स से, ये अभी दोबारा क्वेश्चन आया था, फिर से बर्च्यू वाली लाइन है, ये कॉमर्स से है, ठीक है। तो ये देखो, विच डॉक्ट्राइन इज फाउंड इन पैराडाइज लॉस्ट, तो फ्रीडम ऑफ रोमांस, ये जो है ये डॉक्ट्राइन पैराडाइज लॉस्ट पे जो है रोमांटिक एज जनरली एलिजाबेथन एज और जो बर्ड्सवर्थ की जो 1798 में जब लिरिकल वैलेट पब्लिश हुआ था तो वहाँ से 1837 तक रोमांटिक एज कंसिडर कर दी जाती। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फ्री फ्लो ऑफ इमेजिनेशन, मतलब आप अपनी इमेजिनेशन को फुल पावर दें, इन्हें फ्लो होने दें और आप जो भी कंपोज करना चाहते हैं विदाउट एनी बॉन्डेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, आप कुछ भी कंपोज कर सकते हैं। तो वो बेसिकली उसको ही इंग्लिश लिटरेचर में रोमांस या रोमांटिक एज माना गया, फ्रीडम ऑफ रोमांस ही बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब देखते हैं, मिल्टन लेफ्ट अ हाई रोड बिहाइंड हिम अलोंग विच मैनी आर ट्यूनफुल पॉपर हैज सिंस लिम्प्ड बट बिफोर हिम ही फाउंड नथिंग बट द जंगल एंड फॉल्स फायर। वो कह रहे हैं उन्होंने अपने पीछे तो एक बहुत अच्छी लेगेसी छोड़ी है लेकिन उन्हें ऐसी लेगेसी के रूप में कुछ भी नहीं मिला था। तो ये जो है वो रैली ने कहा है, शायद रैली ने कहा है, राइट। 111 है, हु डिस्क्राइब्ड मिल्टन्स स्टाइल एज अ सेट इन ब्रोकेड स्टिप विद गोल्ड, तो किसने कहा है, रैली ने कहा है। मिल्टन वोट नो लैंग्वेज, ये शायद जॉनसन ने कहा है। आगे देखते हैं, मिल्टन हैज यूज्ड मुल्सीवर को इसने किस लिए यूज किया था, वल्कन। मेरे ख्याल से मुल्सीवर को आर्किटेक्ट के एज अ आर्किटेक्ट यूज किया था, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, हालांकि जो ऑप्शन है वो ये दे रखा है, एक बार आप लोग गूगल करके चेक कर लेना तुरंत ही पता चल जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से तो आर्किटेक्ट होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, फैरो एंड हिज इजिप्टियन हॉर्समैन आर सेट टू बी वर्सेस एंड हिज मैम्फियन शिवालवी। अच्छा, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है इसको कमेंट सेक्शन में जो भी सर्च करे वो कमेंट कर देना, बता देना इसका सही आंसर क्या है, ओके। मैं भी कमेंट करके बता दूंगा, मैं भी ये वीडियो खत्म करने के बाद सर्च करूंगा, राइट। इसके बाद आगे देखते हैं, ये लाइन आप पढ़ लेना, यहाँ पे देखना, लेट देयर बी लाइट एंड लाइट वॉज ओवर ऑल वाई आई एम दस बिरीव्ड। ये लाइन जो है वो कहाँ पे आती है, सैमसन एगोनिस्टिस में आती है। आगे देखते हैं, अब यहाँ पे मैं बहुत सारी यहाँ पे लाइन है, मैं इनको स्किप कर रहा हूँ, आप एक एक करके देख लेना। अच्छा, कुछ क्वेश्चन भी है बीच बीच में, इनको देख लेते हैं। जो मानुआ जो ये कौन था, मनुआ जो था वो फादर था किसका, सैमसन का। हराफा एक आता है जो मॉक करता है सैमसन को, ठीक है, और डेलेलिया उसकी वाइफ थी, सेकंड वाइफ थी। तो ये सारे करेक्टर कहाँ पे आते हैं, सैमसन एगोनिस्टिस में आते हैं। इसके बाद ये लाइन्स आप देख लेना, लाइन्स ऐसा नहीं है स्किप मार देना भाई, पढ़ना जरूर, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा समझाने का है नहीं इसलिए मैं इन्हें स्किप कर रहा हूँ। आगे देखिए, इसको आप पॉज करके पढ़ना, आपके पास बुक है तो बुक से पढ़ लेना। इसको देखो, एल एलिग्रो एंड इल पेंसवेसो एंड लाइसिडास बिलोंग टू कौन से पीरियड से, हॉर्टन पीरियड से। इसके बाद देखो, हु रोड द म्यूजिक टू मिल्टन्स बर्ड्स, ये हेनरी लॉरेंस ने कहा था। इसके बाद, हु सन इज कॉमस, कॉमस किसका बेटा है, किसका है, ऑफ बैक्चस एंड सेवसे, अजीब से नाम है, कैसे प्रोनाउंस करेंगे देख लेना आप। द सेकेंड वाइफ ऑफ मिल्टन इज, मिल्टन की सेकेंड वाइफ कौन थी, कैथरीन वुडकॉक, ठीक है, इन्हीं की वो जो डेथ पे जो अभी एक पोएम की बात कर रहे थे पीछे वो इन्होंने लिखी थी। मैरी पॉवेल इनकी फर्स्ट वाइफ थी और एलिजाबेथ मिंसुल थर्ड वाइफ थी जो कि इनसे 30 साल छोटी भी थी। मिल्टन जो है वो टोटली ब्लाइंड कब हो गए थे, 1552 में। इसके बाद एक बहुत ही फेमस लाइन है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वेयर डज दिस लाइन अपीयर। तो ये लाइन कहाँ पे, मिल्टन ऑन इज ब्लाइंडनेस, इस पे कहते हैं।
मिल्टन अपनी ब्लाइंडनेस के बारे में इस पोयम में कहते हैं कि गॉड ने उनसे उनकी आंखों की रोशनी छीन ली, जिससे उनका जो राइटिंग का टैलेंट था वो एकदम यूजलेस हो गया है। ये जब उन्होंने लिखा था उन्हें नहीं पता था कि वो पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज बिगेन जैसे एपिक लिखने वाले हैं, लेकिन उस टाइम उन्होंने यही कहा था कि उनका जो राइटिंग का एक टैलेंट था वो अब यूजलेस हो गया है, गॉड को क्या ज़रूरत है मेरे गिफ्ट छीनने की। और उसने कहा था कि गॉड को तो इन चीज़ों का कुछ काम भी नहीं है, उनको तो बस इतना ही चाहिए कि लोग उनकी भक्ति करते रहें, उनकी सेवा करते रहें, और जो लोग कुछ भी नहीं करते हैं, दोज हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वो भी गॉड की सर्विस करते हैं। तो वहाँ पे ये लाइन आती है। ओके 134 जो है, मिल्टन स्टार्टेड राइटिंग इन 1658, कंप्लीटेड इट इन 1665 और इसूट 1667। ये पैराडाइज नहीं, वीगेंड नहीं, लॉस्ट में, ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट के बारे में ये बात हो रही है। 1658 में लिखना स्टार्ट किया, 1665 में खत्म हो गया और 1667 में पब्लिश करा दिया। 135 है, इन 1671 मिल्टन इशूड इज लास्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री विच कंटेंट, इसमें पैराडाइज वीगेंड था और सैमसन एगोनिस्टिस था। 136 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेस्टोरल पोएम, तो कौन सी है, लाइसिडस है। द पीरियड नोन एज द एज ऑफ मिल्टन, तो 1625 से 1650 तक के पीरियड को बोलते हैं एज ऑफ मिल्टन। एज ऑफ मिल्टन हैड थ्री काइंड्स ऑफ पोएट। एज ऑफ मिल्टन में कौन कौन से पोएट थे अभी मैंने आपको बताया था, मेटाफिजिकल थे, कैबलायर थे और प्योरिटन थे। मेटा कैबलायर फिर से बता दे रहा हूँ, वायलिस्ट थे, चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्टर थे, ठीक है, प्योरिटन चार्ल्स फर्स्ट के अगेंस्ट में थे। आगे पैराडाइज लॉस्ट वॉज विटन बाई मिल्टन इन द फेज ऑफ लाइफ, कौन से, लास्ट फेज, आखिरी फेज में लिखा गया था। आगे देखते हैं, सैमसन एगोनिस्टिस सोज मिल्टन्स डिजायर टू ब्रिंग आउट इन टू इंग्लिश द ग्रेविटी एंड काम डिग्निटी ऑफ ग्रीक ट्रेजिडीज। ये उसी के बिल्कुल सिमिलैरिटीज बहुत ज़्यादा मिलती हैं सैमसन एगोनिस्टिस और जो ग्रीक ड्रामाज है, वो वही ग्रेविटी, वही डिग्निटी जो ग्रीक ट्रेजिडीज में होती थी, वही सैमसन एगोनिस्टिस में देखने को मिलती है। तो उसी से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने, मिल्टन ने ये वर्क लिखा था। 141 है, दिस इज द सोनेट इन विच द पोएट सीज अ विजन ऑफ हिज डेड वाइफ। ये मैंने बताया था कौन सी पोयम थी, ये मी थॉट आई सॉ माई लेट स्पाउस, ये उन्होंने पोयम लिखी है अपनी जो सेकेंड वाइफ थी कैथरीन वुडकॉक, उनके ऊपर ये पोयम लिखी है, ठीक है। 142 है, ये आप पढ़ना, ठीक है, और इसका आंसर आप देख लेना, मैं पॉज करके देख लेना मैं यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं, ये भी आप करना कहाँ से ये लाइन पूछी गई है। इसके बाद है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है जो 144 है, तो टेनिसन ने ये लाइन कही थी। अच्छा, राइटर हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन का राइटर कौन है, तो जॉन मिल्टन है। और ये आपको बता दूं, ये इनका अनफिनिश्ड वर्क है, ये कभी पूरा नहीं हो पाया। कहाँ तक लिखा है ये इन्होंने, ये भी जान लो, 1066 तक, जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था वहीं तक इन्होंने ये लिखा है। हाउ मिल्टन वर्क्स इज रिटन बाय, ये किसने लिखा है, स्टैनली फिस ने लिखा है, राइट। अब आगे देखते हैं, मैं स्किप कर रहा हूँ 147, 148 है, हु रोट जॉन मिल्टन द सेल्फ एंड द वर्ल्ड, सेल्फ एंड द वर्ल्ड, ये किसने लिखा है, टी सोक्रॉस ने लिखा है। अच्छा, ये 149 जो क्वेश्चन है, मोलोज बिलायल आर टू डेविल्स हु अपीयर इन द फर्स्ट एंड सेकंड बुक ऑफ एन एपिक, कौन सा एपिक है वो, पैराडाइज लॉस्ट है। ओके, ड्राइडेन ने स्टेट ऑफ इनोसेंस लिखा था जो कि ड्रामेटाइजेशन है किसका, पैराडाइज लॉस्ट का, मतलब ये ड्रामेटिक स्टाइल में लिखा था, ये एपिक है, ये ड्रामेटिक स्टाइल में, द स्टेट ऑफ इनोसेंस किसका, जॉन ड्राइडेन का वर्क है। मिल्टन यूजेज फॉर द ओपनिंग 16 लाइन, ठीक है, जो पैराडाइज लॉस्ट की ओपनिंग 16 लाइन्स हैं वो एक ही सेंटेंस में वो यूज करते हैं। अच्छा, मिल्टन सोज द एक्शन ऑफ द फॉल ऑफ मैन इन टू स्टेजेज, ही प्रेजेंट्स दिस फॉल, जो ये फॉल है वो कौन सी बुक में वो प्रेजेंट करते हैं, तो बुक फोर्थ और बुक नाइन्थ में। आगे, क्योंकि जो पैराडाइज लॉस्ट है उसका सब्जेक्ट क्या था, फॉल ऑफ मैन, तो ये कौन सी बुक में प्रेजेंट करते हैं, फोर्थ में और नाइन्थ में, राइट। इसके आगे देखते हैं, अच्छा फोर्थ में होता क्या है, एडम एंड ईव जो है वो डिफाई कर देते हैं, डिसोबे कर देते हैं गॉड के ऑर्डर को, तो वहां से बेसिकली शुरू होता है फॉल ऑफ मैन, ठीक है। आगे देखते हैं, सी ही इज फेमस एज लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज, कौन लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज जिनको कहा जाता है, कल मैंने आपको बताया था मिल्टन को कहा जाता है, क्योंकि उनके बालों की वजह से, ओवन मतलब वेडिस, लाल बाल थे उनके, हल्के हल्के ओवल फेस था, ग्रे आईज थी और बहुत ही फेयर थे, तो उनको लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज कहा जाता था। अच्छा, कॉमर्स इज अ मास्क, कॉमर्स जो है मास्क है इन ऑनर ऑफ चेस्टिटी, इट वॉज परफॉर्म्ड एट लडलो कैसल इन सेलिब्रेशन ऑफ द अर्ल्स न्यू पोस्ट एज लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स इन 1634। तो कॉमर्स लिखा किसने था, मिल्टन ने लिखा था, कहाँ परफॉर्म किया गया था, लडलो कैसल में, किसके सामने, जो अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर था उसके सामने, और उसकी नई पोस्ट को सेलिब्रेट किया था जो वो बना था लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है इस एक ही क्वेश्चन में। 155 है, 1653 मिल्टन मैरिड एलिजाबेथ मिन्सुल, जो उससे 30 साल, वो सॉरी ओल्डर नहीं, यंगर थी, 30 ईयर्स यंगर देन मिल्टन।
ओरिजिनली पैराडाइज लॉस्ट वॉज डिवाइडेड, ओरिजिनली जो था वो 10 बुक्स में था, बाद में 1674 में इसे 12 बुक में डिवाइड कर दिया गया था। आगे देखते हैं, ये लाइन आप अपने आप देखना, डिजॉल्व मी इंटू एक्सटेसीज एंड ब्रिंग ऑल हेवन बिफोर माई नाइज, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इल पेंसरेसु से ये लाइन ली गई है। आगे, द सन टू मी इज डार्क, सन मेरे लिए क्या है, डार्क है एंड साइलेंट एज मून, तो ये मेरे ख्याल से सैमसन से ये लाइन होगी जहाँ पे वो ब्लाइंड थे, देख लेते हैं एक बार। ये लाइन है, ये मिल्टन ने लिखी गई है, हाँ ये सैमसन एगोनिस्ट से मिल्टन ने लिखी है, ठीक है। आगे देखते हैं, हुज पोएट्री एक्ट्स लाइक एन इनकैंटेशन, ठीक है, इनका ये अभी मैकॉले ने कहा था, ये हम पढ़ चुके हैं, मैजिक स्पेल की तरह है, किसकी, मिल्टन की पोइट्री है। आगे देखते हैं, मिल्टन की पोइट्री जो है ये आप लिख लेना, ये जो लाइंस थी वो डॉक्टर जॉनसन ने कही थी, वो पढ़ लेना, इन लाइंस को लिखना नहीं है, इसके बाद इन लाइंस को भी आप पढ़ना, इसके बाद ये सारी लाइंस आप पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं, व्हेन मिल्टन वॉज एट हॉर्टन ही कंपोज्ड एल एलिग्रो एंड इल पेंसरेसो, ये दोनों पोयम जो हैं वो लिखी गई हैं ऑक्टास्लेविक कपलेट में, इंपॉर्टेंट है ये, कल भी बताया था मैंने। वन ऑफ द मिल्टन्स फ्रेंड वॉज अ म्यूजिशियन, कौन था, हेनरी लॉयस। आगे, हेवन इटसेल्फ वुड स्टूप टू हर, ये कॉमर्स, कॉमर्स मास्क ऑफ कॉमर्स, हर यहाँ पे कौन है, द लेडी जो उसमें करेक्टर है, तो ये यहाँ पे फॉन्ट थोड़ा सा धुंधला है, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है, मैं पढ़ी देता हूँ। थ्रू द पोयम इन इज विटन ऑन मिल्टन्स फ्रेंड, एडवर्ड किंग के ऊपर जो पोयम लिखी गई, देख के एडवर्ड किंग का नाम देख के लाइसी डांस मार दो, ठीक है। इसमें एडवर्ड किंग जो है ये कह रहे हैं कि रियल सब्जेक्ट नहीं है, जो कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है बहुत सब्जेक्ट कुछ इसके अलावा भी कुछ और हो, इट इज़ समथिंग मोर देन अ पेस्टोरल एलजी, पेस्टोरल एलजी से थोड़ी सी ज़्यादा है लाइसी डांस। आगे देखते हैं, 158 है मिल्टन का फर्स्ट पीरियड है 1629 से 1640 तक, ड्यूरिंग दिस पीरियड ही कंपोज्ड एल एलिग्रो एल पेंसरेसो कॉमर्स एंड लाइसिडास, तो इसको हॉर्टन पीरियड बोलते हैं, पूछना चाह रहे हैं कि कौन सा पीरियड है। मिल्टन का सेकंड पीरियड 1640 से 1663 तक है, तो इसमें पॉलिटिकल वर्क एंड प्रोज राइटिंग आर इट्स मेन आउटकम, विच बुक इज विटन ड्यूरिंग दिस पीरियड, कौन सी बुक इस पीरियड के दौरान लिखी गई थी, एरियोपजेट का, एरियोपजेट का इसी टाइम में लिखी गई थी। आगे देखते हैं, मिल्टन थर्ड पीरियड इज 1562-1594, ग्रेट वर्क्स वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो उनके नाम बताने हैं, तो ऑब्वियसली पैराडाइज लॉस्ट है, पैराडाइज रिगेन्ड है और सैमसन एगोनिस्टिस है। आगे देखते हैं, 172 को देखते हैं, हु कंसीडर्ड सैमसन एगोनिस्टिस डिफेक्टिव इन एक्शन, किसने, डॉक्टर जॉनसन, बहुत क्रिटिसाइज किया इन्होंने मिल्टन के वर्क्स को, तो जहाँ पे भी थोड़ा सा आपको नेगेटिव क्रिटिसिज्म मिले तो समझ लो डॉक्टर जॉनसन ही है वो। आगे देखते हैं, ऑलमोस्ट ऑल मैन आर लेस ह्यूमरस दैन शेक्सपियर बट मोस्ट मैन आर मोर ह्यूमरस दैन शेक्सपियर, ये किसने कहा है, वॉल्टर रैली ने कहा है। हुम डज मिल्टन कॉल फेथलेस फाउंड अमंग, आगे देखते हैं, अमंग द फेथलेस, ये किसने कहा है, ये कहा है लूसीफर ने। अच्छा, ये लाइंस हैं, ये आप देख लेना, ये भी लाइंस हैं, इसको थोड़ा सा पॉज करना, ये अभी एक क्वेश्चन आया था, ये जो वर्क है ये चार्ल्स इनके एक फ्रेंड थे डायोडाटी, उनको डेडिकेट या उनको थोड़ा सा इसमें ट्रिब्यूट जो है वो दिया है। अच्छा, इसको देखते हैं, एडम एंड ईव लीव पैराडाइज बट दे फील कम्फर्ट एज दे हैव फोर नॉलेज ऑफ द कमिंग ऑफ क्राइस्ट, जो एडम एंड लीव पैराडाइज तो छोड़ रहे होते हैं, बड़ा दुख होता है भाई, जिसको स्वर्ग जिसके हाथ से जा रहा है तो बहुत दुख होता है उन्हें, लेकिन उन्हें थोड़ा सा कम्फर्ट भी होता है कि जीसस क्राइस्ट जो है वो आएंगे, तो ये क्या है, क्यों आएंगे, वो मैनकाइंड को रिडीम करने आएंगे, ठीक है, उनके सिन से रिडीम करने आएंगे। द ओपनिंग 26 लाइन पैराडाइज लॉस्ट की कितने सेंटेंस है, 2 सेंटेंसेस में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी बताओ एग्जाम में आते हैं, ठीक है। आगे, हु कॉल्ड स्पेंसर अब सीरियस एंड सेज पोएट स्पेंसर, तो ये मिल्टन ने एरियोपजेटिका में गाए कि स्पेंसर को क्या कहा, अवर सीरियस एंड सेज पोएट। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, इसके अलावा मैं आपको फिर से बता दूं कि मेरे पेड बैच जो हैं TGT PGT दोनों के चल रहे हैं, उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं, तो उनको अगर आप लेना चाहते हैं, फीस बहुत ही मिनिमम है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसी ही वीडियो आती रहेंगी, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।